गोवर्धन विश्व तम्बाकू दिवस को लेकर सीएचसी गोवर्धन में जागरूकता कैंप लगाया गया। इसमें सीएचसी गोवर्धन डॉक्टर वीएस सिसोदिया ने तम्बाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। प्रभारी ने कहा कि तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है और मुंह, गले, भोजन नली आदि के कैंसर का कारण बनता है। दिल की बीमारियों को बढ़ाने में भी तम्बाकू जिम्मेदार है। डॉक्टर वीएस सिसोदिया ने सभी लोगों से तम्बाकू का सेवन न करने की शपथ दिलाई। डॉक्टर नेहा चौधरी ने कहा कि तम्बाकू कंट्रोल एक्ट अधीन 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी जुर्म है और इस पूर्णतया प्रतिबंध है। इसे ऐसा करते हुए पाए जाने वाले की जानकारी देते हुए पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी दें। इसी के साथ किसी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में भी तम्बाकू उत्पादन बेचना गैर कानूनी है। तम्बाकू दिवस इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है सीएससी गोवर्धन पर, क्या कहोगे इसको लेकर, क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस हमारे सीएससी पर मनाया गया। यहाँ पर सभी उपस्थित कर्मचारी व अधिकारीगण ने शपथ ली। साथ ही मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि तंबाकू का सेवन ना करें, ये सेहत के लिए हानिकारक है। और साथ ही मैं दुकानदारों से यह अपील करना चाहूँगी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, छोटे बच्चों को इसकी इसको ना दें। मैं देखा जा रहा आजकल युवा पीढ़ी ज़्यादा तंबाकू की ओर अग्रसित दिखाई देती है, अगर हम बात करें बीमारी क्या क्या घातक बीमारियाँ इससे हो सकती हैं? इससे हमें ये तंबाकू का सेवन करने से मुंह, गले, इनका कैंसर हो सकता है।